हेलो फ्रेंड्स, हम आज ब्लीच और फेशियल साथ में करने जा रहे हैं, तो आप अंत तक वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ब्लीच करने से पहले फ्रेंड्स, हम फेस को अच्छे से पानी से क्लीन कर लेंगे। अगर आपके फेस पे क्रीम या कुछ और हो तो आप उसको क्लींजर से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर 1 टीस्पून हम ले रहे हैं क्रीम, तो इसके साथ हमें लेना है 1/4 टीस्पून ऑफ इसका एक्टिवेटर। तो क्रीम अगर 1 चम्मच है तो 1/4 चम्मच रहेगा हमारा एक्टिवेटर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है क्रीम, तो इसके हिसाब से मैं 1/2 चम्मच लूँगी एक्टिवेटर। लगाना है इसके जस्ट एंड से हमको लगाना है। ध्यान रखें कि ब्लीच को और एक्टिवेटर को मतलब अच्छे से मिक्स करें और तुरंत लगा लें। आँखों के आसपास इसको ना लगाएं, आँखों से दूर रखें और आईब्रो से भी दूर रखें और अच्छे से लगाने के बाद हमें नेक एरिया को भी कवर करना है। तो दोस्तों, नेक एरिया कवर करना ना भूलें। लगाने के बाद 10 मिनट के बाद ज़रूर चेक करना है कि कहीं स्किन पे कलर तो नहीं आ रहा है, मतलब हमारे स्किन में जो बाल है उसमें कलर तो नहीं आ गया है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे। तो अभी कलर आया नहीं है, तो हम 5 मिनट और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम हटाएंगे इसको। चाहे आप अपर लिप से हटा कर चेक कीजिए, कलर आ गया है। तो हमेशा किसी स्टिक से हटाइए। अगर आप कॉटन से या फिर गीले कपड़े से पोंछेंगे तो ये बहुत टाइम लगता है निकलने में। सिर्फ ब्लीच करना है तो इसके बाद आप पोस्ट ब्लीच क्रीम लगा लीजिए। अगर पोस्ट ब्लीच क्रीम नहीं है तो कोई भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं ब्लीच के बाद मैं करने जा रही हूँ फेशियल। तो ये है VLCC का डायमंड फेशियल किट। तो ये है हमारा क्लिंजर, इसको हम थोड़ा सा ले लेंगे हाथ में। और इसको हाथों में थोड़ा सा मिक्स करके बस हमको इसको सर्कुलर मोशन में करना है। तो ये हमेशा याद रखिए, फेस के साथ साथ हमें नेक को और कान को भी क्लीन करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से फेस और नेक में सर्कुलर करते हुए, उसके बाद एक स्पंज को या फिर किसी कपड़े को गीला करके हम फेस को अपने क्लीन कर लेंगे। तो अब जो ये स्क्रब है इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। आप चाहो तो ब्रश की मदद से या फिर हाथ से इसको अच्छे से फेस नेक पर कवर कर लें और सर्कुलर मोशन में इसको भी अच्छे से मसाज करें। और ये ध्यान रखें, जब नेक पे करें तो अपवर्ड्स करें, इसको अपलिफ्टिंग करें। हमें लगभग 2 से 3 मिनट ही स्क्रब करना है और हल्के हाथों से कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाइएगा। अगर सर्दियां हैं तो स्क्रब के बाद ज़रूर स्टीम लीजिए, इससे आपके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स सारे लूज़ हो जाते हैं और अच्छे से निकल जाते हैं बाहर। तो ये है स्टीमर, आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप पतीले में पानी गर्म करके भी गर्म करके उसको सामने रख लें और उसके ऊपर चेहरे को रख के टॉवल से मुंह पर ढक लें और स्टीम लें। इस तरह से भी हो सकता है, रिमूवर कहते हैं। और कॉटन चाहिए हमें और उसके साथ चाहिए हमें एस्ट्रोजेंट से ये है कि ये होता है एंटीसेप्टिक। तो जब भी हम वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालें तो इसको ज़रूर हम यूज़ करें। तो इस तरह से हम पहले कॉटन में लगा लेंगे।
तो इसको देखिए हम नाक पर इस तरह से लगा देंगे और यूँ साफ करेंगे इसको। ज़्यादा मत दबाइएगा वरना पेन होने लग जाएगा। हल्का हल्का दबाइए और जो भी डाल लिया है और अब यहाँ पे तो जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके यहाँ पर भी होता है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए अगर आप किसी का कर रहे हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी इधर और इस साइड में भी होता है तो हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे और इस तरह से ना दबाएं। बैकअप्स हमने रिमूव कर लिया है तो अब थोड़ा सा रोज़ वाटर यहाँ पे लूँगी मैं और अपने फेस पे हल्का हल्का डैब डैब कर लूँगी। ये है डिटॉक्स लोशन, तो इसको सिर्फ अब्सॉर्ब करवाना है। ये है मसाज जेल और इसको अब हम फेस पे लगाकर मसाज करेंगे। जनरल स्टॉक, तो जनरल स्टॉक होता ये है ऐसे करके ऐसे, इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारे पूरे फेस पे लग जाता है जो मसाज क्रीम होता है या जेल होता है। और उसके बाद हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक एरिया से। तो नेक एरिया में बस अपवर्ड ही करें, जब अपने आप करें तो इसी तरह होता है मसाज। जेल लें और दोबारा हमें करना है जनरल स्टॉक। जनरल स्टॉक के बाद हम यहाँ से अपने जो ये है चिन, इससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है क्या, सर्कुलर। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक जॉ लाइन के सर्कुलर जाएंगे और स्लाइड करके आएंगे। थम से भी करना है आपको। आपको ये दो उंगलियों से इधर इस तरह से प्रेस करना है। रीडिंग कर रही है देखिए, जॉ लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसी स्टेप को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अगर मैं ये आपको करके दिखाऊंगी तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बस एक एक ही स्टेप करके दिखाती हूँ और आपको हर स्टेप को 2 से 3 बार करना है। तो ये जॉ लाइन कम्प्लीट हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे अपर डिप और चिन। तो हम दोबारा हाथ में लेंगे मसाज क्रीम या जेल और हम करेंगे फिर से जनरल स्टॉक और देखिए इस तरह से, और फिर हम करेंगे सर्कुलर प्रेस। वापस जाना है, फिर सर्कुलर आना है, प्रेस। फिर इस एरिया में हमें करना है S एंड 8।
आप इस फिंगर से अगर कंफर्टेबल है तो इससे कीजिए, अगर थंब से कंफर्टेबल है तो थंब से कीजिए। तो आप चाहे तो इन दोनों फिंगर से भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे फिर से जनरल स्ट्रोक। अब हम आएंगे नोज़ के ऊपर। नोज़ में भी ऊपर से हमें नीचे तक सर्कुलर आना है, करना है। आप चाहे तो थंब से भी कर सकते हो इस तरह, और हमें इधर से, और अपने नोज टिप को नहीं भूलना है। तो आप इस स्टेप को 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम करेंगे सीजर स्ट्रोक। उंगलियों को इस तरह लाएं क्रॉस में, और आईब्रो के यहाँ से आपको इस तरह ले जाना है, और नोज के यहाँ पर इस तरह करके फिर वापस आके यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरह जाए और वापस करें, और दोबारा हम करेंगे जनरल स्ट्रोक। हो गया। और इसके बाद हम आएंगे आइस के पास। तो आइस के ऑल अराउंड इस तरह से हमें सर्कल करना है। करने के बाद हमें एस एंड 8 बनाना है, इस तरह एस एंड 8। और आप और एक स्टेप कर सकते हो, यहाँ पर सर्कुलर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आए स्लाइड करते हुए और फिर सर्कुलर करते हुए जाएं, और फिर आए हैं एस एन 8 इस तरह से इस आँख में, और फिर हम जाएंगे दूसरी आँख की तरफ, सर्कुलर मोशन करें। और यह है आईलिड। आईलिड के ऊपर रिंग फिंगर से, आपको रिंग फिंगर से इस तरह से क्लॉकवाइज 1 2 3 एंड 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको 2 से 3 बार करना है। गया आईज का मसाज। तो अब हमें करना है आईब्रो। तो आईब्रो के नीचे से हम इस तरह से उठाएंगे इसको, उंगलियों से देखिए प्रेस करेंगे, जो हमारी ये हड्डी है, हड्डी को इस तरह से आपको पकड़ना है हल्के हाथों से, और हल्का हल्का प्रेस करना है। तो अब फोरहेड में आ गए। फोरहेड में भी हम करेंगे पहले सर्कुलर, सर्कुलर करते करते जाएंगे, फिर आएंगे, फिर सर्कुलर करते करते जा रहेंगे, फिर स्लाइड करके आएंगे। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर भी एस एन 8। करेंगे सीजर स्ट्रोक। इसके बाद हम करेंगे नीडिंग, वो भी सर्कुलर मोशन में ही करना है। इस तरह करने के बाद हम करेंगे अपवर्ड्स चिक्स को, फिर हम करेंगे प्रेस, फिर करेंगे अपवर्ड्स, फिर करेंगे प्रेस। तो अब हम कान को करेंगे मसाज, लेंगे हम थोड़ा सा जेल, सर्कुलर करें कानों में भी। करने के बाद हम दोबारा से आएंगे नेक पर, 1 इधर से लेकर यहाँ तक जो हमने किया सर्कुलर मोशन में, ये हो गया 1, यहाँ से हो गया ये 2, और यहाँ से हो गया। और आपको ये याद रखना है कि हर स्टेप हमें 2 से 3 बार या 4 बार तक दोहराना है। पिंचिंग करेंगे और उसके बाद करेंगे हम टैपिंग। तो ये है हमारा पैक, इसको हम पूरे नेक और फेस पे अच्छे से कवर कर लेंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको
वॉश कर लेंगे। जब पैक सूख जाए उसके बाद हम पैक के ऊपर हल्का हल्का पानी लगा के हाथों से सर्कुलर मसाज करते हुए इसको स्पंज से क्लीन कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में VLCC मॉइस्चराइजिंग जेल लगाना है और बस हमारा फेशियल कंप्लीट।